ये साला कहाँ से आया? ये सब आप यहाँ से जाओ। क्या साहब, इतनी बारिश में भी दुकान चालू है? अपन दोनों का लाइफ एक जैसा ही है, कुछ भी हो जाए पर धंधे पे तो निकलना ही पड़ता है। चल चल शानपति छोड़, तेरा भड़वा कहाँ पर है? बिजी आदमी है, मीटिंग में होगा, पर तेरा काम करके गया है। लेकिन ये कौन है, तेरा कस्टमर है क्या? नहीं, आपके जैसा इसकी भी गाड़ी खराब है। बराबर नहीं साहब, खा गए होंगे साले सब बीच में। कहाँ पर है वो तेरा भड़वा आरामखोर? उस्मान के पीछे क्यों बड़े हो साहब? वो बाप लोग जिनसे आपकी सांठ गांठ है उनसे बोलो ना। लगता है तेरे को थाने में ले जाकर डोज पिलानी ही पड़ेगी। थाने की धमकी क्यों देता है साहब? सरकारी पेट्रोल पर कब तक गाड़ी चलाओगे? बहुत बोले लगी है तू। हाँ बहुत बोले लगी है तू। क्या रे, क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है? जाने दो ना साहब। क्या प्रॉब्लम है कुछ? बोलना क्या प्रॉब्लम है? देखो तेरी डांट है क्या? हाँ ये कोई तरीका नहीं है औरत से बात करने का। अच्छा तू मुझे तरीका सिखाएगा? तुम लोग यहाँ पे रंडीबाजी करते हो और हम लोग तुम्हारे लिए अपनी मरवाते फिरते हैं, खून करते हैं हम लोग तुम्हारे लिए, और तुम हाँ ताकि तुम लोग चैन की नींद सो सको। और तू मुझे सिखाएगा हराम खोर? बोल क्या सिखाएगा तू मुझे? जान दो ना साहब, क्यों इस पट्टू के चक्कर में पड़ रहे हो? चलो चलो छोड़ो ना साहब, इधर चलो। स्क्रू यू, जाने दे, गरम खोपड़ी है साहब। क्या हुआ? राखी बांध के आई उसको। माचिस नाम क्या है तुम्हारा? चमेली। और तुम रात भर धंधा करती हूँ साहब? कब से कर रही हो? क्या है ये? मेरा जन्मदिन। इस धंधे में चमेली का हैप्पी बर्थडे। तो तुम्हें ये सब मजाक लगता है? नहीं सब मजाक नहीं लगता, लेकिन अगर गहराई में घुस जाओ तो एक मिनट लगेगा इस नाम को काटने में, इसलिए सब कुछ हंसकर भूल जाना पड़ता है। इतनी खराब नहीं हूं साहब, आप तो मेरे साये से भी दूर भागते हो। मेरे जैसे पहले कोई मिला नहीं ना आपको?
फिल्मों में जरूर देखा होगा, लेकिन वहां तो हम उमराव जान और चंद्रमुखी होते हैं। सच्चाई कुछ और। आपका नाम क्या है साहब? अमन कपूर। पंजाबी है? पंजाबी लगते हैं आप। बहुत पहचान है लोगों की? पहले नहीं थी, अब हो गई है। तो और क्या लगता हूं मैं? वो तो मैं नहीं जानती साहब, पर अंडीबाज नहीं लगते। तुम्हारी जबान बहुत घटिया है, जानती हूँ, पर क्या करूँ साहब, जब आसपास इतनी गंदगी है तो थोड़ा असर जबान पर हो ही जाएगा। तुम्हारी फैमिली, घर वाले कहाँ हैं? एक वक्त सब कुछ था, गढ़वाल में घर था, माँ बाबा, जिंदगी में हंसी थी, पर जब से बाबा की बीमारी ने उनकी जबान छीन ली तब से जिंदगी में ऐसे सन्नाटा सा छा गया। साहब कोई शौक से धंधे पे नहीं बैठता, बाबा की बीमारी का फायदा उठाकर मेरा मामा मुझे शहर ले आया, नौकरी दिलाने। नौकरी क्या, साले हरामी ने मुझे धंधे पर बिठा दिया। कैसी लगी? क्या स्टोरी? झूठी थी। ये स्टोरी साहब कस्टमर को 3 पैक होने के बाद सुनाओ, 500 रुपये टिप के धने गया। ये स्टोरी थी? आप भी सोच रहे होंगे ना साहब, क्या साली औरत है, करना पड़ता है। माँ कहती है कि सिर्फ ईमानदारी से पेट नहीं भरता, थोड़ा सा झोलझाल करना पड़ता है, थोड़ा सा।